नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं रूपक ताल में त्रिकट किस प्रकार बजाते हैं, रेला किस प्रकार बजाते हैं, रूपक ताल में लग्गी को किस प्रकार लगाते हैं, रूपक ताल की उठान क्या होती है एवं रूपक ताल को बजाते बजाते बंद किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए मित्रों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिस जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए मित्रों सीखते हैं रूपक ताल की उठान, रूपक ताल की त्रिकट हम किस प्रकार से बजाते हैं। मित्रों ये हमारी 15वीं वीडियो है, हमने इसके पहले वाली वीडियो में रूपक ताल बजाना सिखाया, सात मात्रा ती ती ना धी ना धी ना हमने पिछली वीडियो में सिखाया है। तो मित्रों आप पिछली वीडियो में रूपक ताल बजाना सीख जाएं, उसके बाद रूपक ताल की उठान क्या होती है आइए जानते हैं। ये हमारी रूपक ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना। रूपक ताल और अच्छी लगे तो इसमें लोग क्या बजाते हैं, ती ती ना धी ना धी ना, तो हमारा यही बजता है ती ती ना धी धी ना ना धी धी ना ना। तो आइए जानते हैं इसकी उठान क्या होती है। तो मित्रों रूपक ताल हमारे लिए बैलेंस के साथ बजाना होती है। हमारा पहला सम है ती, ती से हमारी ताल चालू होती है, तो जहां से भी हमारी ताल चालू होती है उसके पहले आप अपना बैलेंस बना लें। सम की कोई परिभाषा नहीं होती है कि सम कहां से चालू होती है, ती हमारा सम है। यदि कोई भी ताल, कोई भी गाना रूपक ताल में चालू होता है तो शुरू में आप त्रिकट लगा सकते हैं, ता त्रिकट ता त्रिकट ती ती ना धी ना धी ना। से त्रिकट लगा के उठाया, फिर से देखें, तो इस त्रिकट को ती आने के पहले, हमारा रूपक ताल का सम आने के पहले, ती ती ना आने के पहले ये टुकड़ा लगा देना है। अपने आप में आप अपना बैलेंस बना लीजिए। तो आइए जानते हैं ता त्रिकट ती ती ना धी ना किस प्रकार से बजाते हैं। तो ये हमारा आधी उंगली और ये था, इस पे गुमकी नहीं मारना है, हाथ सर्पाकार नहीं करना है, सीधा चिपका के बस बजाना है। फिर से देखें, इसी को हम फास्ट बजाएंगे तो मित्रों ये बहुत ही सुंदर लगेगा, फिर हमारी रूपक ताल बजना चालू हो जाएगी, ती ती ना धी ना धी ना। तो ता ते रे कि ता ते रे ती ती ना धी ना धी ना। तो ता त्रिकट फिर से देखें, ता ते रे कि ता ते रे कि। जब यही ता त्रिकट हमारा फास्ट बजेगा तो देखें किस प्रकार से आवाज देगा। फिर से देखें, ता त्रिकट ती ती ना धी धी ना ना धी धी ना ना। तो
ये हमारी रूपक ताल की उठान हो गई, ता तरकड़ ता तरकड़ ती तीना धीना धीना। अब रूपक ताल हमारी होती है सात मात्रा ती तीना धीना धीना, हमने पिछली वीडियो में भी एक एक बोल बजाना सिखाया है। तो आइए अब जानते हैं इसमें हम लग्गी किस प्रकार से लगाते हैं, बीच में तिरकिट किस प्रकार से सेट करते हैं। तो आइए देखें, यह हमारा हो गया ती ती ना ती ती ना ती ती ना। फिर से देखें, हमारी सात मात्रा बजेगी ती तीना धीना धीना, ये शुद्ध है। लेकिन जब बसता है और गानों में बसता है तो ती तीना धी नाना हो जाता है। इसकी उठान हम पहले सिखा चुके हैं, तिरकिट भी हमने लगाना बताया, एक बार फिर से देखें। तो ये हमारी रूपक ताल की तिरकिट हुई। मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा हमारी इन वीडियो को शेयर करें ताकि आप, आपके दोस्त और जो भी मित्र रिश्तेदार हैं सब सीख सकें ढोलक बजाना। यदि आप ढोलक सीखने की इच्छा रखते हैं, आपको बजाना अच्छा लगता है, तो कृपया हमारे लिए सपोर्ट करें। जितना भी हम पे बनेगा हम आपको अपना 100 में से 100 देने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों ऐसे ही अपना प्यार हम पर बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सभी के लिए सादर नमस्कार, सादर प्रणाम।